कि कितनी दूर अभी जाना है हमें। ये देखिए जो टावर दिख रहा है आपको, जाना कहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये तो नहीं है भाई, आगे पूरा जंगल है यार। हाँ भैया हम लोग लेट हो गए मानते हैं थोड़ा सा। हम लोग अब एबॉट माउंट की तरफ बढ़ चले हैं, और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से बहुत चढ़ाई है, लगभग 2 किलोमीटर की लगभग चढ़ाई है, 2 से 2.5 किलोमीटर समथिंग। हाँ तो अब देखते हैं, बहुत टाइम भी हो चुका है, 4 बज चुके हैं और चढ़ाई लंबी है और बैग में वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अब देखते हैं। समय तो लगेगा चढ़ने में, और वो एक हॉन्टेड प्लेस है, काफ़ी ख़तरनाक प्लेस है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ से हिमालय भी दिखता है। तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको हिमालय के दर्शन ज़रूर कराऊंगा, और वो नज़ारा तो गजब है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा नज़ारा है। अरे मैं तो रास्ता ही भटक गया। हाँ तो चलिए चलते हैं अपने सीधे रास्ते की ओर। आह अभी तो खैर ढलान है, फिर बहुत तगड़ी चढ़ान है एबॉट माउंट जाने के लिए। चढ़ान शुरू हो चुकी है, आह गजब नज़ारे मेरे दोस्त, वाह अत्युत्तम गजब। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि कितनी दूर अभी जाना है हमें। ये देखिए जो टावर दिख रहा है आपको, ये टावर हमें इस, मतलब ये जो टावर दिख रहा है हमें इस टावर तक जाना है। अब आप देख चुके होंगे कितनी दूर है, पूरा झुके जा रहे हैं। ओ भाई साहब गजब चढ़ाई है, मज़ा ही अलग आ रहा है। हो मैंने आपको दिखा दिया कितने ऊपर अभी मैं जाना है। ओ भाई मौत हो जाएगी लगता। ओ गजब, ओ हाँ हाँ हाँ, क्या नज़ारा है, आप देख सकते हैं नज़ारा। अरे भाई अभी तो और चढ़ाई करनी। राजन मर ना जाए आज हम, क्या कह रहे हो, मर ना जाए आज हम, कोई बात नहीं। ओ भाई धक्का दे देंगे नीचे वापस, ओ उतरने का तो जल्दी आ जाएंगे। अरे बाप रे, हाय भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, और शायद ज़्यादा भी हो सकती है। लोग तो बोल रहे 2.5 किलोमीटर तक है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। बाप रे बहुत बुरा रास्ता है, मेरी तो सांस फूल गई पूरी। चले ये देखिए कितने प्यारे नज़ारे, आह गजब, ओ माय गॉड, एक बार इनमें कोई चला जाए तो बस इन्हीं का हो जाए। हम लोग वहाँ से उतर आए, एक आर्मी के सर मिले थे, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ से मत जाओ, यहाँ से जाना सेफ नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर तक तो तुम्हें लंबी चढ़ान कर चढ़नी पड़ेगी, और कम से कम 2.5 किलोमीटर तक जंगल का रास्ता है, वहाँ से बिल्कुल भी मत जाओ, कोई रास्ता नहीं है, सही से बना ही नहीं है कुछ सही, तो और वहाँ भी बिल्कुल बहुत भयंकर चढ़ान है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो नीचे से तुम लोग जाओ, और नीचे से जाओ और यहाँ से तुम लोग मरोड़ा खान की तरफ जाओ, मरोड़ा खान के बाद तुम मरोड़ा खान तक तो बोले तो आसानी से लिफ्ट मिल जाएगी। तो ठीक है अब हम लोग यहाँ से लिफ्ट लेना शुरू करते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी अगर मिलती है तो लिफ्ट मिल जाती तो बेटर है, और पता नहीं पहुँच पाएंगे आज कि नहीं पहुँच पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ का नज़ारा तो इतना गजब है, कुछ कहने की बात ही रही, एक बार आप खो गए इस नज़ारे में तो आधा आधा एक घंटा बैठे रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लिफ्ट मिलती है कैसे जाते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, बहुत यहाँ भी बहुत चढ़ाई है लेकिन वहाँ बहुत भयंकर चढ़ाई थी, कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई थी, मतलब एक रास्ता होता ऐसा बना होता और वो ऐसे था, अब आप समझ सकते हैं। आज नहीं पता आज हमारी रात कहाँ गुजरने वाली है, क्योंकि
हम बहुत दूर हैं अभी और चढ़ान बहुत ज़्यादा है, एपिक लेवल पे ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा ढलान है, ये हम लोग के बैग रखे हुए हैं और चढ़ान बहुत है, हमें चढ़ाई करनी है और बहुत ऊपर अभी चढ़ाई करनी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई जा राजन, अरे यार अब हिम्मत टूट रही है। लगभग 700 मीटर तक पैदल चल चुके चढ़ान में, इस बार बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। हो आप देखिए हमारे पीछे नज़ारे, हाँ हाँ वाह, ओह ये लोहावटी नीचे नदी जा रही है, ओह मज़ा आ रहा है। हाँ चलते रहो, हट, ओ भाई थक गए बहुत बुरा। अब ये देखिए कितना गजब लग रहा है, अरे वाह नज़ारा तो बहुत अच्छा है। हालांकि अभी हम लोगों ने रेस्ट किया था कुछ देर, अब रेस्ट करने के बाद निकल चुके हैं फिर से। पता नहीं आज पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ उम्मीद नहीं लग रही क्योंकि अभी हमें बहुत ट्रैवल करना है। हाँ देखते हैं क्योंकि अभी बहुत लंबी चढ़ाई है। हालांकि आज अबाउट माउंट तो पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ कौन सी वो जगह राजन, मरोड़ा खान, मरोड़ा खान तक पहुंच जाए तो वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाए। मरोड़ा खान अभी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर है और वो भी बहुत चढ़ाई है, चला नहीं जा रहा बिल्कुल, बहुत थक चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं पहुँचना आज हर हाल में। ये तीनों भाई मिले हुए हैं और इनको अभी पता, इनको ये बड़े शौक हो गए कि हम लोग पूरा लिफ्ट लेके आए यहाँ तक, तो बहुत शॉकिंग लगा इनको। शॉकिंग था। खैर देखते हैं अब पहुंचते हैं, अब हम लोग को पहुंचना है, माउंट माउंट पहुंचना है। अच्छा लगेगा, जाइए। अच्छा है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। चलो ओके भाई, चलो ठीक है, बाय बाय। तो इन लोगों से, इन भाइयों से बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। हाँ मत बहुत दर्द होने लगते हैं भाई साहब, बैक बहुत सच में भारी है। चलो अब कई लोगों ने शॉर्टकट रास्ता बताया हुआ है जो कि खड़ी चढ़ान है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ान है। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ी चढ़ान है और ये शॉर्टकट रास्ता है कहते हैं, और क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है लगभग होने वाला है और हमें पहुँचना बहुत जल्द है ये मान के चलिए, तो पहुँचना मतलब अंधेरे से पहले पहले पहुँचना, और 1.5 किलोमीटर कहते हैं रास्ता है, कोई 1 किलोमीटर बोल रहा है, कोई 1.5 किलोमीटर बोल रहा है, तो अब खैर पता नहीं। तो थी हो, हाँ यार बात बराबर ही है यार। ओ ये देखिए वही रास्ता है। आंटी मैं अबाउट मन जाना है, अच्छा अच्छा थैंक यू, ठीक थैंक यू आंटी। कितनी दूर होगा? अच्छा आंटी जी ठीक है, ठीक धन्यवाद आंटी जी जी। ओह ओ भाई राजन यहाँ भी आके कैसा लग रहा? बहुत मजा आ रहा है, हमको एडवेंचर भर है, एडवेंचर तो है, हवा टाइट अलग ये एक तो देखो झुके जा रहे हैं। हाँ तो चला नहीं जा रहा, अरे बाप रे बाप, ओ भाई हाँ बहुत भयंकर चढ़ाई है। ओ भाई बिस्किट खाओ, एनर्जी एनर्जी का स्रोत यही है सर, खाना मिला नहीं हम लोग को। हाँ ओ भाई अब नहीं चला जाएगा, वहाँ तक चलो, वहाँ तक वहाँ तक चलो। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ओह गजब, ये देखिए बहुत खतरनाक रास्ता आ चुका है, अभी पूरा पूरा जंगल आ चुके हैं और देखिए बहुत प्यारा नज़ारा है। आह बस मेरे यार पहुंचने वाले हम लोग, गजब। अब टावर देख रहे हैं, जो अब टावर देख रहे हैं, हमें यहाँ तक जाना है। रास्ता नहीं समझ आ रहा, जाना कहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये तो नहीं है,
अरे यार भाई आगे पूरा जंगल है यार, किस तरफ जाएंगे यार। अरे यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, को रास्ता मिल नहीं रहा था। तो ये एक भाई है, भैया है यहाँ के, वो रास्ता बता रहे हैं हम लोग को। हाँ भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल जी। आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम लोग को तो एडॉप मॉन जाना है। एडॉप मॉन आपको वेरी एडॉप मॉन। हम लोग कोई रास्ता मिल नहीं रहा था भैया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ओके ये भैया हैं जो हमें रास्ते में लेके जा रहे हैं, छोड़ने चल रहे हैं। हम लोग वापस आ गए थे। ये भैया हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। भैया भी थक गए और हम भी थक गए। भैया बहुत अच्छे हैं, मत कर दो इसे। भैया बहुत अच्छे हैं और इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की आके। अब हमें काफ़ी ऊपर अभी और जाना है। लगभग कितने मीटर जाना होगा आपको? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर भी ऊपर है और है। तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। चढ़ाई हाँ है, फिर जितनी आप आए हैं उससे अभी आपको चढ़ना ही है फिर। तो अभी देखते हैं कैसे चढ़ते हैं जी। ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है और भैया हमारे हम लोग को पार करा रहे हैं और काफ़ी ऊपर चढ़ना है अभी। बिल्कुल रात हो गई है। हाँ और ये एडवेंचर आप देख सकते हैं। हाँ भैया हम लोग लेट हो गए मानते हैं थोड़ा सा। हाँ दिखाते घुमाते बिल्कुल। 15 दिन है कल मिले, एक्चुअली 2-3 दिन जाना है। हाँ मैं कल आपके साथ ही रहता बैठा। हाँ नहीं तो आपको मैं पूरा यहाँ पे घुमाता। एक सेकंड भैया आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। लो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। हाँ 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 खतरनाक चढ़ाई है। अच्छा फाइनली हम लोग रोड में पहुंच चुके हैं काफी ज्यादा चढ़ाई करने के बाद। और ये भैया हमारे, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हम लोग रोड पहुंच चुके हैं। बहुत घना जंगल था, मैं कहीं बहुत जगह तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। अभी हमें और चढ़ाई करनी है। आपने मेरे को दिक्कत में डाल दिया हो। कैसे भैया आपको? अच्छा रात हो गई, बहुत रात हो गया, घर वाले गाली करनी है मेरे को। अरे कहाँ गया ऊपर से, पहुँचू क्या, ये वो कई बातें सुननी पड़ेंगी। अरे दिक्कत है ना मेरे लिए, और कहाँ कोई दिक्कत है। अब आपको भी छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता दी है कहाँ जाना है क्या करना है। आप दोबारा नीचे आ गए हो जी, ये दिक्कत है ना। नमस्ते प्रकाश दा, मैं आ गया यार। अभी बहुत चढ़ाई है, थोड़ी बहुत और बची। अब नहीं चढ़ा जा रहा सर। फाइनली हम लोग अबाउट वन पहुंच चुके हैं। हम लोग का डिसीजन शायद पहले सही था कि हम लोग को नाइट स्टे लेना चाहिए था नीचे ही, बट हम लोग डिसीजन में गलत हो गए एक भाई के चक्कर में जो मदद कर रहे थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मदद की, बट लेकिन अब यह है कि देखते हैं यहाँ पे शेर वेर भी बहुत आते हैं बोलते हैं, काफ़ी सारे जंगली जानवर भी हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ अंदर ही टेंट लगाने को मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, ताकि जानवरों से सेफ तो रहेंगे। पता नहीं स्टे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हाँ बस लगा है। देखते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर टेंट लगाने को मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, काश मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। देखते हैं बात करके
बात करके देखते हैं, शायद अगर कुछ हो जाए। सर हम लोग को इधर। सो फाइनली गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है एक बार फिर से। और मैं आपको बता दूं, कल रात बड़ी दिक्कत हो गई थी दोस्तों, सच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और हम लोगों ने हालांकि वीडियो शूट भी नहीं किया जहां पे हम लोग को रुकना था, क्योंकि जो मैनेजर साहब थे उन्होंने मना किया हुआ था, क्योंकि ये जो होटल है ये गवर्नमेंट होटल है, सरकारी होटल है, और यहाँ का चार्जेस इतना ज़्यादा हाई था कि हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एक दिन का 4,000 रुपये था। तो हम और यहाँ पे मैंने सुना था कि जंगली जानवर भी आते हैं, तो मैं था और राजन था, उन्होंने डिसाइड ये किया कि चलो ठीक, हम लोगों ने सर से बात की कि सर क्या हम लोग अंदर कैंपिंग कर सकते हैं, तो सर ने मना कर दिया। तो सर ने पहले तो मना कर दिया, बोले कि नहीं अंदर कैंपिंग नहीं करना, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो, उन्हें भी अपनी ड्यूटी बचानी है। तो फिर हुआ क्या, तो बाहर जानवर का डर इतना ज़्यादा, तो फिर हम लोगों ने अंदर गए। हम लोगों का ठीक है, सर बोले कि इतना पैसा लगेगा, हम लोगों सर हम लोग के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो हम लोगों का ठीक है सर अगर यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते, ठीक है सर हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग बाहर के लिए गए तो सर ने हम लोग को तुरंत ही रोक लिया, बोला कि ऐसा नहीं है, बाहर नहीं जाना तुम लोग को, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, बोले कि तुम लोग ऐसा करो यहीं पर रुको। हाँ, सर ने हम लोग को होटल प्रोवाइड किया, अपनी तरफ से ऑफ़र किया कि बोले कि आज रात यहीं रुको तुम लोग, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हमें बताना। और तो और हम लोग के पास पैसे तो थे नहीं हालांकि इतने ज़्यादा, तो सर ने अपनी तरफ से हमें खाना भी ऑफ़र किया, सर ने खाना भी खिलाया। एक विकास भाई थे, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। रात में इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो रही थी, आप यकीन नहीं मानोगे, दो दो कंबल ओढ़ने पड़े हम लोग को, दो दो कंबल दिए, मतलब बहुत सपोर्टिव थे यहाँ के लोग। और सर ने हालांकि वीडियो बनाने के लिए मना किया था कि इस होटल के अंदर मत बनाना वीडियो, क्योंकि हम लोगों की एंट्री नहीं हुई थी और ये गवर्नमेंट होटल है इसलिए। हालांकि बहुत मज़ा आया सीरियसली, मतलब इतने सपोर्टिव और खाना पीना। और हम लोग सुबह 7 बजे लगभग निकल चुके थे होटल छोड़ के, तो 7:30 या 8 बजे एक भैया आए, बोले कि अरे तुम लोग बाहर क्यों आ गए हो, चलो अंदर। तो हम लोग नहीं, अब यहाँ पे धूप निकल आई हल्की, बोल के हम लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। तो मतलब बहुत, मतलब वो पूछने भी आए खाने, कल रात में जब उन्होंने खाना खिलाया तो हम लोगों ने खाना खाया तो उन्होंने बोला अरे तुम लोगों ने पूरा खाना भी खाया नहीं सही से। हम लोग हालांकि पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी मतलब देखिए कितने साफ दिल के हैं वो लोग, मुझे सच में बहुत अच्छे लगे हैं लोग। तो हम लोगों उन लोगों ने हमको एक दिन का स्टे दिया, ये बहुत बड़ी आभारी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, जो कि हम लोग इतना महंगा रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 4,000 रुपये एक दिन का वो भी। तो चलिए ठीक है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे अबाउट माउंट, ये आपको शायद दूसरी वीडियो में मिलेगा या फिर इसी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी तो मैं दूसरी वीडियो में डाल दूंगा। ओके चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।